हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फोर सक्सेस में। आज हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस की मेल और फीमेल की जो भर्ती है उसके रिगार्डिंग हम इसमें बात करेंगे। जो लेकर कोर्ट में केस चला हुआ था 29 जुलाई को, क्या कुछ रहा है, इस भर्ती में ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, कब इसमें ज्वाइनिंग के लिए जो सटे कोर्ट से अट सकता है, और इसमें आपको बात कर दूं क्या रिवाइज रिजल्ट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और भर्ती कैंसिल, भर्ती की मैं आपको पहले ही बता दूं, भर्ती किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होगी। भर्ती के कैंसिल का इसमें कोई भी चांस नहीं है, भर्ती में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। बात है रिजल्ट के रिवाइज को लेकर, जो मेथड अपनाया गया वो ठीक है या नहीं है उसके बारे में है। ये भर्ती को कैंसिल को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल सरासर गलत हैं। भर्ती किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होगी, किसी भी सूरत में भी। तो हम इसमें वीडियो में डिटेल में देखेंगे क्या न्यूज़ निकल गया ही, कल कोर्ट में क्या कुछ रहा तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट डेट क्या रही है, क्या नेक्स्ट डेट में क्लियर हो सकता है सब कुछ, तो पूरा डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जो प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। तो चलो हम जो इसके रिगार्डिंग न्यूज़ है उस पर चलते हैं। पहले तो आप यहाँ पर देख पाओगे 6600 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती पर रोक 17 तक, तो 17 अगस्त तक है जो इसकी सुनवाई टल चुकी है, मतलब नेक्स्ट डेट है जो इसकी 17 मिली है और 17 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। अभी तक इस पर जो ज्वाइनिंग पर है जो सटे ऐसे ही रहेगा। अगर बात की जाए क्या कुछ कार्रवाई रही, यहाँ पर आप देख पाओगे हरियाणा पुलिस पुरुष व महिला सिपाही कांस्टेबल के लिए 66 पदों के लिए चयनित आवेदन नियुक्ति पर रोक पंजाब हाईकोर्ट ने 17 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन को परीक्षा की हर एक शिफ्ट के टॉप 50 लोगों की सूची मांगी थी, दो 50 जो बंदों की सूची मांगी थी वो अब तक है जो HSSC ने नहीं दी है। इतने दिन का टाइम हो गया, टॉप बच्चों की 50 बच्चों का सैंपल बनाने में कितना टाइम लगता है, कुछ भी टाइम नहीं लगता, लेकिन अभी तक वो HSSC ने वहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई। यहाँ पर देख पाओगे 50 लोगों की सूची संबंध जानकारी न सौंपने पर फटकार लगाई, और अब महिला कॉन्स्टेबल के 10 आवेदकों का सैंपल भी अब सौंपने के आदेश दिए हैं। याचिका दायर करने वाले 41 आवेदकों ने हाईकोर्ट में बताया था कि हरियाणा सरकार ने पुरुष और महिलाओं के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, इसके बाद परीक्षा के लिए परीक्षा आयोजित की गई, परीक्षा के बाद अन्य प्रक्रिया को पूरा किया गया, और जब नियुक्ति का समय आया तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई। याचिका ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन नीति के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची से जो बाहर हो गया, ये है कोर्ट में जो केस चला हुआ है। लेकिन अभी तक जो HSSC ने टॉप पर एक शिफ्ट के कैंडिडेटों की जो लिस्ट पहुँचानी थी कोर्ट में प्रस्तुत करनी थी वो प्रस्तुत नहीं कर पाई। आगे यहाँ पर आप देख पाओगे सैंपलों की समीक्षा के बाद आएगा फैसला, तो जैसे ही वो सैंपल है हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे उन्हीं के भी आप पर देखा जाएगा कि जो मेथड अपनाया गया वो सही है या नहीं है। इसका भर्ती कैंसिल को लेकर कोई भी इसके बारे में न सोचे, भर्ती कैंसिल किसी भी हाल में नहीं होगी। हाँ, अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो मेथड अपनाया गया है ये ठीक है तो आपका ज्वाइनिंग से सटे होकर आपका जो फाइनल ज्वाइनिंग आपकी विद इन ए वीक दे दी जाएगी 17 अगस्त के बाद भी। अगर ये अगर संतुष्ट नहीं होता हाईकोर्ट इस फैसले से तो इसके जो रिवाइज रिजल्ट है वो आ सकता है। अगर आप बात करें कितना चांस है रिवाइज रिजल्ट आने के, तो अगर बात की जाए अभी तक 90% चांस है कि जो ये मेथड है ये यही रहेगा, 90% चांस है जहाँ तक अगर बात की जाए। तो बाकी देखते हैं 17 अगस्त को इसके रिगार्डिंग क्या होगा। यहाँ पर आप देख पाएगा आर्डमेंट कराया भी, पहले इन सैंपलों की समीक्षा होगी उसके बाद अगला फैसला सुना जाएगा। इस दौरान याचिक पक्ष ने कहा कि यदि चयनित लोगों की नियुक्ति पत्र जारी कर दिए तो याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब हमारे सामने यह सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मेथड अपनाना उचित है या नहीं, तो इसी को लेकर है। अगर ये हाईकोर्ट इसको रीजन दे देता है तो आपकी ज्वाइनिंग एक हफ्ते के बाद हो जाएगी 17 अगस्त के बाद। अगर कहता है कि ये मेथड उचित नहीं है तो रिवाइज रिजल्ट जारी करो, तो अलग मेथड से जो दोबारा रिजल्ट है जो जारी हो सकता है। इसे भर्ती कैंसिल का कोई भी लेना देना नहीं है। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसी मोर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप ग्रुप का वो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसी मोर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।